हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल डबल ए वैदिक ज्ञान केडी पर। आज का हमारा टॉपिक है करियर इन फार्मेसी। हम फार्मेसी में अपना करियर किस किस तरीके से बना सकते हैं, फार्मेसी करने के बाद हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस बचते हैं, चलो हम देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ मेडिकल स्टोर। इसका मतलब है हमें गवर्नमेंट से वैलिड सर्टिफिकेट मिलेगा मेडिकल स्टोर खोलने के लिए। सेकंड क्या है, हमें इंडस्ट्री में हम जॉब कर सकते हैं। थर्ड MR मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटर, इसका मतलब हम मार्केटिंग कर सकते हैं, सेल्समैन बन सकते हैं। और फोर्थ क्या है, गवर्नमेंट जॉब भी कौन कौन सी मिलेगी वो हम आगे पढ़ लेंगे। ओके फ्रेंड्स, बेस्ट ऑप्शन है हमारे लिए गवर्नमेंट जॉब के लिए DI का एग्ज़ाम। मतलब हम अगर DI फार्मेसी करने के बाद DI का एग्ज़ाम दे देते हैं, अगर वो हमारा क्लियर हो जाता है तो हमें इतनी अच्छी जॉब मिलेगी, किसकी, ड्रग इंस्पेक्टर की। कितना अच्छा रहेगा अगर हमें इतनी अच्छी जॉब मिल जाए। अच्छी जॉब हमें मिलेगी कैसे, सबसे पहले तो हमें अपनी बी फार्मा कम्प्लीट करनी पड़ेगी। उसके बाद बी फार्मा कम्प्लीट करने के बाद हमें DI का एग्ज़ाम देना होगा। एग्ज़ाम क्लियर हो गया तो हम ड्रग इंस्पेक्टर बन ही जाएंगे। देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अगर बाई चांस हमारा DI का एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता है तो हमारे पास एक ऑप्शन तो है ही कि हम अपना मेडिकल खोल सकते हैं। बट 2018 में एक नया ऑप्शन और आया है कि हम मेडिकल के साथ एक ऑप्शन और जोड़ सकते हैं, सेल्फ क्लिनिक। मतलब हम अपना क्लिनिक भी डाल सकते हैं मेडिकल के साथ साथ, पर वो कब किस कंडीशन में डाल सकते हैं, हमें MBBS डॉक्टर के अंडर 3 महीने की ट्रेनिंग चाहिए होगी। अगर हमने MBBS डॉक्टर के अंडर 3 महीने ट्रेनिंग कर ली तो हम खुद का क्लिनिक भी खोल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप बी फार्मा के बाद आगे भी पढ़ना चाहते हैं तो आप क्या करोगे, बी फार्मा करने के बाद थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में जीपैट का एग्ज़ाम हर साल निकलता है, तो आप उसका फॉर्म डाल दोगे। अगर आपका जीपैट क्लियर हो गया तो आपकी फ्री में गवर्नमेंट कॉलेज में एम फार्मा हो जाएगी और आप साथ के साथ कुछ और भी काम कर सकते हो। आपको पता तो चल ही गया होगा कि फार्मेसी में कितने सारे करियर्स हैं हमारे लिए। तो अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो, कुछ भी इन्फॉर्मेशन आपको इसमें से मिली हो, तो प्लीज़ फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर कुछ भी गलती हुई हो हमसे तो प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।